हाय दोस्तों, द नूब किंग चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग आपको बताएंगे अमेज़न की कुछ किस्से के बारे में। चलिए पहले अमेज़न ऐप खोल लेते हैं। तो हम लोग खोल लिए है अमेज़न ऐप। उसके बाद हम लोग सर्च करेंगे काऊ डंग केक, यानी गोबर से जो बनता है केक, सूखा हुआ गोबर, काऊ डंग केक बोलते हैं इसको। ये अगर आप अमेज़न में ढूंढते हैं तो आपको गोबर की जो सूखा हुआ केक है ये आपको मिल जाते हैं। कुछ लोग इसको खरीदते हैं। इसका देखिए 170 से 230 140 ऐसा इसका प्राइस है। कुछ लोग इसको खरीदते हैं और आज आपको एक किस्सा बताएंगे। एक आदमी है जो इसको खरीदा है और इसका फीडबैक दिया है। देखिए चलिए फीडबैक देखते हैं। तो ये है गोबर का केक, यानी काऊ डंग केक। ये केक जो है 199 यानी अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये का है। एक बंदा ने इसको खरीदा है और इसका फीडबैक दिया है। चलिए फीडबैक को देखते हैं। तो यह है उसका फीडबैक। आइए उस फीडबैक को पढ़ते हैं। इसने एक स्टार दिया और लिखा है इट टेस्ट वेरी बैड व्हेन आई एट इट। मतलब मैंने जब इसको टेस्ट किया, खाया इस केक को, गोबर का केक, तो इसका टेस्ट बहुत बुरा है। अरे यार, ये खाने के लिए नहीं है, सूखा हुआ गोबर, जो गोबर को सनलाइट में सुखाई जाती है और काम पे आता है। इसने ये खा के टेस्ट किया क्योंकि इसमें केक लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो नाम है काऊ डंग केक, तो उसने केक समझ के इसको खा लिया है। कितना बुद्धू आदमी है। इट वॉज ग्रास लाइक एंड मार्डी टेस्ट। ये जो इसका टेस्ट है घास फूस जैसा टेस्ट है, एंड मार्डी मतलब मिट्टी जैसा इसका टेस्ट है। I got loose motion after that. मुझे इसके बाद loose motion आया, मैं यानी पेट खराब हो गया ये खाने के बाद। Please be little more hygienic when manufacturing. ये बोल रहा है बंदा, जब इसको आप बना रहे हैं तो हाइजीन का ध्यान रखिए। Also pay attention to the taste, crunchiness of this product. तो जब इसको बनाते हैं तो इसका क्रांचीनेस है, ये कितना मतलब हार्ड है, सॉफ्ट है, मतलब कितना अच्छा है, तो ये क्रांचीनेस की तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो गोबर का केक को, सूखा हुआ गोबर को केक समझ के खा लेते हैं और उसका 1 स्टार फीडबैक देते हैं अमेज़न में। बस दोस्तों, वीडियो यहीं तक है। आपको बताना था कैसे कैसे लोग दुनिया में रहते हैं और उनका फीडबैक देने का तरीका, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं। कुछ चीज़ ये लोग करते हैं उसको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।